और बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं भोपाल, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में ये ऐतिहासिक अधिवेशन दिल्ली के अंदर होगा, तो इस प्रकार से आज मुख्य तौर पर केवल प्रेस में इसी बात की जानकारी के लिए आप सभी पत्रकार मित्रों को आज आमंत्रण विशेष तौर पर था, आपको असुविधा हुई उसके लिए मैं पुनः खेद प्रकट करता हूं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ प्रश्नों तो स्वागत है। रमेश जी भाई साहब, अधिवेशन का कोर एजेंडा टॉप प्रायोरिटी भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक तंत्र, क्योंकि ये राष्ट्रीय अधिवेशन है, राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली के अंदर आयोजित है, तो संगठन के काम के सुदृढ़ीकरण के साथ प्रत्येक बूथ के मजबूती का अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय अमित शाह जी ने जो पूरे देश के अंदर जिसको लेकर के हमने काम किया है, उसके आधार पर आगामी आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, भारतीय जनता पार्टी झाबुआ के एक विराट सभा के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि जड़ी बूटी में दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं के बल पर 370 सीटें जीतेगी, तो हर बूथ पर 370 वोट भारतीय जनता पार्टी को कैसे अभी तक के मिले हुए बूथ पर सर्वाधिक वोटों से 370 प्लस कैसे करेंगे, और 370 सीटें जीत करके कमल का फूल इंडिविजुअली भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन तो 400 के पार लोग भी कह रहे हैं। दंतेवाड़ा से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, डीआरजी के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़।